कोटा चंबल गार्डन के सामने स्थित वक्फनगा के रजा चौक में जश्न ए आला हजरत के प्रोग्राम का आयोजन किया गया। वक्ताओं ने युवाओं को हमेशा नेक काम करते रहने की नसीहत दी, साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया गया। मदरसा गौसिया रजिया के सदर मुदर्रिस मुफ्ती यामीन निजामी ने बताया कि जलसा चंद्रघटा जामा मस्जिद के इमाम इमाम सैयद तब तफज्जुल रहमान की सरपरस्ती में मनाया। मुख्य वक्ता भीलवाड़ा के शहर काजी मुफ्ती अशरफ जिलानी अजहरी ने कहा कि युवा पीढ़ी संस्कारों से भटक रही है, शिक्षा के अभाव में युवा गुनाहों के दलदल में फंसते जा रहे हैं। 10 साल के नन्हे हाफिज व कारी अजहर अली निजामी ने आला हजरत की जीवनी पर प्रकाश डाला। जलसे के दौरान पैगंबर इस्लाम की शान में नाते पाक भी सुनाई गई। जलसे की व्यवस्थाओं को शादाब कुरैशी, अज्जू कुरैशी, अल्फैज शेख, शोएब अली, नदीम हुसैन, साकिब कुरैशी, समीर खान, फरदीन खान, अली मुल्तानी, जुनैद भाई, शाहरुख, इब्राहिम, आशु भाई, साजिद भाई सहित अन्य युवाओं ने बखूबी संभाले रखा। अंत में लंगर का तबर्रुक तकसीम किया। आज का ये प्रोग्राम जश्न आला हजरत रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के नाम से मौसूम है और 29-30-31 को बरेली शरीफ में बड़े आला पैमाने पर जश्न आला हजरत और उर्स आला हजरत का प्रोग्राम मनाया जाता है, जिसमें पूरी दुनिया से लोग शिरकत करते हैं। लिहाजा कोटा में सैयदी सरकार आला हजरत रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु से अकीदत रखने वाले लोग हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यामीन साहब निज़ामी की सदारत और सरपरस्ती में एक कमेटी तंजीम कायम है, जिसका नाम गौसो आशिकान गौसो ख्वाजा रजा कमेटी है और वो दारुल उलूम गौसिया रज़विया की कमेटी के ज़ेर एहतमाम काम करती है। ये करीब 10 साल से भी ज़्यादा से लगातार जश्न आला हजरत के जश्न आला हजरत के नाम से ये प्रोग्राम मुनक़िद हो रहा है। आज किस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया गया है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। आज अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम गौसिया रज़विया की कमेटी के ज़ेर एहतमाम वक्फ नगर में एक कमेटी जिसका नाम आशिकान गौसो ख्वाजा रजा कमेटी है। अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान गौसो ख्वाजा रजा कमेटी के ज़ेर एहतमाम हर साल अज़ीमुश्शान पैमाने पर जश्न आला हजरत मुनक़िद किया जाता है, बहुत ही अकीदत के साथ मनाया जाता है। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना जामा मस्जिद रज़ा मैदान में आशिकान गौसो ख्वाजा रजा कमेटी के ज़ेर एहतमाम जश्न आला हजरत मुनक़िद किया गया है और इस जलसे के अंदर खुसूसी वक्ता खुसूसी जन्नती हकीकत में गोरे के नकाले हैं जाएंगे वही जन्नत जो रसूल वाले हैं। और पुल सिरात के डर से आशिको न घबराना, पुल सिरात के डर से आशिको न घबराना, अरे जिब्रगील उस पर तो पर बिछाने वाले हैं, जिब्रगील उस पर तो पर बिछाने वाले हैं। और ये नबी की महफिल में नाते मुस्तफ़ा सुनने, ये नबी की महफिल में नाते मुस्तफ़ा सुनने, बेटे के वही अख्तर जो रसूल वाले हैं, बेटे के वही अख्तर जो रसूल वाले हैं। आइए अपने मेहमान का इस्तकबाल। हालते ख्वाब में नींद की हालत में मुझे आका करीम की मजलिस में जाने का मौका मिलता है, चुनांचे एक मर्तबा का वाकिया है, मैं आका की मजलिस में हाजिर था। आलम ख्वाब में नींद की हालत में आका की मजलिस में जब मैं हाजिर था तो आका ने एक शख्स को हुक्म दिया कि ए फला शख्स मेरी नात सुनाइए, मेरा कसीदा पढ़िए। जब वो शख्स खड़े हुए और उन्होंने आका की शान में कसीदा पढ़ा, कसीदा पढ़ने के बाद जब महफिल बर्खास्त हो गई तो अब वो सैयद साहब जाते हैं कि नाना हुजूर आपने जिस शख्स को नाते ना शरीफ पढ़ने के लिए खड़ा किया था ये शख्स कौन है? कि मोहम्मद से वफा तू न तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, तहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ ना मुकम्मल। जब तक हमारे मिंबर से मिंबर रसूल होने का हक अदा किया जाता था हालात कुछ और थे, लेकिन मैं आपकी मालूमात के लिए बता दूं इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ अच्छे मिंबर हैं अभी जहां जिम्मेदार लोग बैठे होते हैं, वरना हालात ऐसे हैं आज।